नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। अभी आप देख रहे हैं धुन म्यूजिक। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान आए हैं जिनका नाम है रणवीर सिंह। जी हाँ, ये राइटर है। ये करीबन 20 साल से लगातार भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जमे हुए हैं और आज भी गीत लिखते हैं। ये बहुत ही कलम के जादूगर है। आइए आज उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं रणवीर जी का। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और आपने हमें आज आमंत्रित किया और हम आपके पास आए हुए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। अच्छा रणवीर जी, आज आपसे एक बात जानना चाहेंगे। देखिए, अभी जो भोजपुरी का जो दौर अभी चल रहा है जी जी। और 20 साल पहले का जो दौर था जी जी। आपने दोनों दौर को देखा है जी जी। आपके हिसाब से बेस्ट दौर कौन था, अभी वाला या 20 साल पहले वाला? अभी से जो पहले का दौर था वो तो काफी अच्छा रहा। अभी तो चल रहा है, जो मार्केट में किसी भी तरह का गीत या कहीं से भी कुछ भी लोग उठा के परोस दे रहा है। और आजकल के मार्केट में भले मिलियन मिलियन व्यूज जा रहे हैं, कंपनी या गायक जो भी लोग हैं अपना पैसा कमा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पैसे मतलब... में और गाने में दोनों फर्क है कि पहले के लोग उन लोगों को, मतलब पहले के गीत को वो लोग काफी ज्यादा सुनते थे। आजकल सुनना कम हो गया है, बस सिर्फ मतलब व्यूज का दौर हो गया है जी जी। और पहले गाने बजते थे, गीत बजते थे, आवाज बजता था, गायक बजते थे, लेकिन अभी क्योंकि व्यूज का मामला। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह जी जी, भोजपुरी के कहे जाने वाले मतलब मोहम्मद रफी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी मानते हैं, बात से सहमत है। तो पहले आपने उनको देखा है गाते हुए और अभी भी आप देख रहे हैं, कितना चेंजेस है उनके गायकी में, उनके गाने का सिलेक्शन में, वीडियो को, आपको मतलब क्या लगता है, क्या आपका आपका क्या तात्पर्य इसमें? मेरा तो अनुभव ये कहता है कि पहले के गायकी में और अभी के गायकी में बहुत चेंजिंग आया है। पहले के गायकी और अभी के गायकी में बहुत ज्यादा चेंजिंग इसलिए है क्योंकि दिन पर दिन व्यक्ति गाते गाते निखरते जाता है, मतलब पहले से और भी बेहतरीन हो, बेहतरीन हो गायकी में, गायकी में जी। लेकिन पहले वो जो गीत गा देते वो मतलब उस समय का आवाज कहिए या आज का आवाज कहिए, वो भले ही उनको कम अनुभव था या आज ज्यादा एक्सपीरियंस है, कम अनुभव का ही गीत जितना बज जाता था मार्केट में, आजकल का ज्यादा अनुभव वाला भी गीत नहीं बज पा रहा है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि पहले पवन सिंह जी गाते थे, अभी भी गाते हैं जी जी, पहले से भी बेहतरीन गायकी हुई, लेकिन उनके साथ पहले का जो मिश्रण था गीत का, संगीत का, म्यूजिक का, वो अब थोड़ा कम हुआ जी जी जी, है ना। मतलब आज अगर बज रहे तो पवन सिंह अपने दम पे बज जी जी जी, गीत के दम पे नहीं, गीत के दम पे पहले गीत बजता जी 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 जी, गीत बजता। अच्छा, तो आपने अपने लाइफ में कितने गाने अभी तक लिख दिए होंगे? 400-450 के आसपास मैंने गाना लोगों को दिया। वाह, मतलब सेंचुरी, मतलब 4 सेंचुरी मारे होंगे। अच्छा, और स्टोरी वगैरह, कहानी वगैरह में, फिल्म वगैरह में, इसमें क्या आपका योगदान है, क्या इसमें भी आपका दिलचस्पी रहा है? दिलचस्पी रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं वो सब, मतलब स्क्रिप्टिंग वगैरह भी कुछ करके रखा हूँ और वो अभी तैयार है, 8-9 है वैसे मेरे पास अभी ऑलरेडी। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह जी को अगर आपको लिखने का सौभाग्य मिले या फिर आपको ऐसा कहा जाए कि भाई आपको पावर स्टार के लिए लिखना है गीत, तो या आपकी कलम से क्या निकलेगा, आपका क्या अनुभव रहता है? देखिए, हर लोगों को अपना अपना लिखने का तरीका है। मनोज मतलबी जी थे, गोविंद विद्यार्थी जी थे, बिना बिहारी जी थे, उन लोग, वो लोग तो पहले से ही कलम के जादूगर रहे हैं और वो लोग भी लिखते थे और उन लोगों का गीत भी हमारे पवन जी या और बड़े बड़े स्टार लोग भी बहुत लोग आए हुए हैं, लेकिन उन लोगों का गीत में मतलब वो सभ्यता, संस्कृति या भोजपुरी की माटी जो दिखाई देती थी, आजकल के फोक गीतों में वो सब दिखाई नहीं देती। मतलब नाम करा गया फोक, बस सिर्फ नाम है, और उस तरीके का गीत आज भी अगर परोसा जाए और उनको दिया जाए और वो गाए, तो ये मुझे आशा है कि वो गीत आज भी बजेगा और भोजपुरी में फिर से तहलका मचाएगा। तो आपकी झोरी से क्या निकलेगा पवन जी के लिए? मेरे पास ऑलरेडी उन लोगों के, मतलब वो पहले की जो गायकी करते थे उस दौर से लेके आज तक के दौर तक का मेरे पास स्टॉक है गीत। अच्छा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपना उनके समक्ष पेश करूंगा, शायद उनको पसंद आए, वो गीत गाए, और सब लोग चाहता है कि मेरा बजे और मेरा अपेक्षा उम्मीद भी है कि वो गीत बजेगा, बस वो तो मोहम्मद रफी है ही भोजपुरी के। नहीं तो मतलब आपका जो गीत है, जो आपके पास संग्रह है, जो कलेक्शन है, जो गीत का जो आपने लिख रखा है, तो मतलब खास पवन जी के लिए पहले से लिख के रखा है या फिर अभी अचानक से, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा क्या है? नहीं, पवन जी के लिए तो मैं लगभग 15-16 साल पहले से लिख के बहुत सारे गीत रखा हूँ। अच्छा, वो अब उस टाइम का गीत लेते हैं या अभी के दौर का गीत लेते हैं, अभी का दौर का भी गीत मेरे पास है उनके लिए, उनको सोच के ही मैंने लिखा है, अगर मौका मिला तो उनके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आपको भरोसा है कि अगर वो गीत पवन जी गा दे तो मार्केट में फिर से वो माहौल आ जाएगा जो 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले पवन जी की आवाज में जो गीत आता था, जो सुनने को अब अमूमन नहीं मिलता है? आशा नहीं, उम्मीद है, और सब लोग अपना
100% देना चाहता है, मैं भी अपना 100% दिया। मतलब कहीं ना कहीं आपको भरोसा है कि ये गीत मार्केट में ट्रेंडिंग में आएगा, ट्रेंडिंग में मतलब लोग के दिल में बजेगा, है ना? जी जी।